अभी अंकरिश रघुवंशी का नाम आ रहा है, ऑक्शन चल रहा है, प्लेयर्स बहुत आ चुके हैं, मतलब चेंज होता है यार। ये रहे हमारे पास समीर रिजवी की तस्वीर है, कितने में बिके हैं, 8.4 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स के पास। ये बहुत मतलब शॉकिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, इनकी बेटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार साडे देश नू आजाद होए 76 साल हो गए, पर कई चीजें विच अजे भी सानू आजादी नहीं मिली, जिवें कि सरकारी दफ्तरां च आम लोकां लई धक्के, बद इंतजामियां, खजल खुआरियां। आजादी की जंग जिहड़ी सी ओह साडियां अगलियां पीढ़ियां की जिंदगी नू सौखी करन वास्ते लड़ी गई सी, ना कि इस गल वास्ते कि साडे चाचे ताए प्यो दादे सरकारी दफ्तरां दे धक्के खाण। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनिआं नू साकार करन लई पंजाब सरकार ने फैसला किया कि पंजाब दे लोकां नू हुण सरकारी दफ्तरां दे गेड़े नहीं कढ़ने पैणगे, सरकारी दफ्तर खुद चल के तुहाडे घर आउणगे। हुण सरकारी दफ्तरां दे चक्कर कट्टण दी लोड़ नहीं, बस डायल करो 1076 अते सरकारी सहूलतां अपने घर विच ही पाओ। पंजाब दी भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार। हैंड्स अप ही रहे हैं इनको लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही है, कहीं भी रुके नहीं और कहीं भी सोचने का टाइम नहीं लिया किसी ने भी। वही बात ना, हमने सोचा नहीं था कि इतना नाम पॉपुलर भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वही बात है ना कि सबको हैरान कर दिया समीर रिजवी ने कि इतने महंगे बिक चुके, बेस प्राइस तो कुछ भी नहीं था पर फिर भी इतने महंगे बिक चुके हैं। सभी हैरान हो गए, सीएसके के फैंस भी हैरान हो गए होंगे कि ये इतने महंगे कैसे बिक गए। समीर रिजवी 8.4 करोड़ के समीर रिजवी का बिकना बहुत बड़ी बात है। इनका बैकग्राउंड आपको बता दें कि ये यूपी से बिलोंग करते हैं, रणजी ट्रॉफी इन्होंने खेली हुई है, जीती हुई है और काफी मैचेस खेले हैं और अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको खरीद लिया है 8.40 करोड़ में। जी बिल्कुल वही ना, इंटरेस्टिंग बिड रही है इनकी। एमएस धोनी ने कुछ सोचा होगा कि अगर इन्होंने, क्योंकि प्लान तो बहुत कुछ होता है, इनके मतलब पीछे पड़ गए, हम लेंगे, सामने भी टक्कर हो रही थी पर उन्होंने पूरा कहा कि नहीं हम ही लेंगे। सीएसके आखिर तक बना रहा और उन्होंने 8.4 करोड़ में इनको अपने बैग में रख लिया। बेस प्राइस तो कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल में सभी फैंस भी खराब हो गए। वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग रही है, सुबह से ही बहुत अच्छे, मतलब खुद का भी मन कर रहा है कि कुछ भी मिस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि मिस्टर स्टार्क हो गए, पैट कमिंस, इतने ऑस्ट्रेलियन मतलब वो टॉप पर जा रहे हैं, हर प्लेयर अच्छा से अच्छा, अनएक्सपेक्टेड जो कहते हैं ना वो चीजें हो रही हैं अब ऑक्शन में। ये मेरे ख्याल चलता ही जाएगा ये सिलसिला आगे से आगे। और अब चल रहा है मोहम्मद अर्श, अभी अंकरिश रघुवंशी का नाम आ रहा है, ऑक्शन चल रहा है, प्लेयर्स बहुत आ चुके हैं, मतलब चेंज होता है यार। ये रहे हमारे पास समीर रिजवी की तस्वीर है, कितने में बिके हैं, 8.4 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स के पास। ये बहुत मतलब शॉकिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, इनकी बेटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार हैंड्स अप ही रहे हैं इनको लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही है, कहीं भी रुके नहीं और कहीं भी सोचने का टाइम नहीं लिया किसी ने भी। वही बात ना, हमने सोचा नहीं था कि इतना नाम पॉपुलर भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वही बात है ना कि सबको हैरान कर दिया समीर रिजवी ने कि इतने महंगे बिक चुके, बेस प्राइस तो कुछ भी नहीं था पर फिर भी इतने महंगे बिक चुके हैं। सभी हैरान हो गए, सीएसके के फैंस भी हैरान हो गए होंगे कि ये इतने महंगे कैसे बिक गए। समीर रिजवी 8.4 करोड़ के समीर रिजवी का बिकना बहुत बड़ी बात है। इनका बैकग्राउंड आपको बता दें कि ये यूपी से बिलोंग करते हैं, रणजी ट्रॉफी इन्होंने खेली हुई है, जीती हुई है और काफी मैचेस खेले हैं और अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको खरीद लिया है 8.40 करोड़ में। जी बिल्कुल, वही बहुत इंटरेस्टिंग बिड रही है इनकी। एमएस धोनी ने कुछ सोचा होगा कि अगर इन्होंने, क्योंकि प्लान तो बहुत कुछ होता है, इनके मतलब पीछे पड़ गए, हम लेंगे, सामने भी टक्कर हो रही थी पर उन्होंने पूरा कहा कि नहीं हम ही लेंगे। सीएसके आखिर तक बना रहा और उन्होंने 8.4 करोड़ में इनको अपने बैग में रख लिया, बेस प्राइस तो कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल में सभी फैंस भी खराब हो गए। वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग रही है, सुबह से ही बहुत अच्छे, मतलब खुद का भी मन कर रहा है कि कुछ भी मिस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि मिस्टर स्टार्क हो गए, पैट कमिंस, इतने ऑस्ट्रेलियन मतलब वो टॉप पर जा रहे हैं, हर प्लेयर अच्छा से अच्छा, अनएक्सपेक्टेड जो कहते हैं ना वो चीजें हो रही हैं अब ऑक्शन में। ये मेरे ख्याल चलता ही जाएगा ये सिलसिला आगे से आगे। और अब चल रहा है मोहम्मद अर्श।